नमस्ते फिर एक बार पिछले सेशन में हमने वो चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने कहा था, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि राजा को अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से भी सावधान रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा उनसे भी करनी चाहिए। और ये चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था कि जो बाकी ऋषि उनके पहले आए हैं उन सबका, भारद्वाज, पराशर वगैरह वगैरह, उन सबका क्या कहना था कि जो एक युवराज है या राजा के जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ कुछ तो ये कहते थे कि कुछ उन्होंने तो ऐसे कहा कि जन्म दे ही उनको मार दो ताकि ना रहेगा बाल ना बजेगी बांसुरी वाला फंडा, है ना। एंड बट देन दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे तो फिर आपकी लिनेज ही खत्म हो जाएगी, यू नीड समबडी टू टेक योर लिनेज फॉरवर्ड। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। और जैसे हमने देखा कि चाणक्य कहते हैं कि ये तो एकदम गलत है इस तरीके से, मतलब एंड में कहते हैं कि नहीं नहीं आप रखो, अपने पास रखो, पर उसको गलत सलत ये व्यसनों में लगा दो। तो जो मनुष्य व्यसनों में पड़ा रहेगा उसको फिर आपके, उसका एम्बिशन कुछ नहीं रहेगा, उसको आपके राज्य पाने का कोई एम्बिशन नहीं रहेगा, और ऐसे मनुष्य से आपको कोई डर भी नहीं है। तो इस बात पर फिर चाणक्य कहते हैं कि नहीं ये तो एकदम गलत है, ये तो जैसे हम किसी लकड़ी को खोखला कर देती हैं, वो वाइट एंड जैसे जो है वैसा ये हो गया, उस तरीके से आपके कुल को ही खोखला कर देने वाली बात हुई और उस जो युवराज है उसको भी खोखला कर देने वाली बात हुई। तो ये तो एकदम गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनका क्या मत था, क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि जब ही आप अच्छी भावना से, जब युवराज का जन्म आप जब होने वाला हो तब से ही, इनफैक्ट उसके पहले से ही, इवन जब आप प्राणी के साथ जब आप संभोग करते हैं पुत्र या बच्चे की प्राप्ति के लिए, आपत्य की प्राप्ति के लिए, उस समय से आप अच्छी भावनाओं से करो, तो सही रीति रिवाज से करो, सही ट्रेडिशन से करो। और एक बार जो गर्भ रह जाए फिर जो सारे गर्भ संस्कार हैं जो करते हैं वो आप करो। एक बार बच्चा जन्म ले ले तो उसके बाद भी उसका जो प्रशिक्षण शिक्षण होना चाहिए, एक्सपर्ट्स से होना चाहिए, उन विद्वानों से होना चाहिए, वो आप करवाओ, ये सही तरीका है। तो हमने देखा था यहाँ तक उन्होंने कहा था, ये बात हमने पढ़ी थी। अब उसके आगे हम जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे फिर एक ऋषि है, अम्भास या कुछ उनका नाम है, वो कहते हैं एक सेकेंड, कौन से पेज पर है हम, आपको क्या सही क्या गलत ये भी सिखाना तो पड़ेगा एक जो युवराज है उसको, कि कैसे सिखाया जाए, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक जो ऋषि है उनके जो अनुयायी है उनका मत ऐसा है कि आप स्वयं से पहले उनको ये करो, कि उनको प्रोवोक करो कि अच्छा आप मद्यपान करो, आप हंटिंग करने जाओ, आप लड़कियों में पढ़ो। तो एक जो स्पाई या जो भी उनके साथ है, जो भी सहचर है युवराज के, उसमें एक गुट ऐसा हो जो उसको इन सब व्यसनों की तरफ अट्रैक्ट करे, और दूसरा गुट ऐसा हो जो फिर उसको समझाए कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक गुट उसको ये व्यसनों को इंट्रोड्यूस कराए और फिर दूसरा गुट कहे कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उनका ये मत है कि इस तरीके से आप समझाओ। पर उसमें भी चाणक्य कुछ और कहते हैं, उनका मत एकदम अलग है इस मामले में, एंड ये आज की परिस्थिति में बहुत ही उपयुक्त है, बिकॉज आज भी आई थिंक वी हैव समवेयर, आजकल ऐसा हो गया है कि हमको लगता है नहीं नहीं बच्चों को सब कुछ आप एक्सपोज करो, है ना, बचपन से ही जितना भी जो है आप एक्सपोज करो, देर शुड नॉट बी एनी फिल्टर, आगे जाके तो उनको देखना ही है, तो अभी से ही कोई फिल्टर ना होना चाहिए, बचपन से ही कोई फिल्टर ना होना चाहिए। अगर वो बात ऐसी भी बात करेंगी कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है तो भी साथ में बैठ के वो दारू भी अगर वो देख रहा है तो कोई बात नहीं, उनको पता होना चाहिए। सीरियल्स में, टेलीविजन में इतना सारा सेक्स और वॉयलेंस और ये सब है, फिर भी लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं ये तो रियल लाइफ है, ये तो ऐसे चलता है, तो आप एक्सपोज करो, है ना। और दूसरा फिर आप उनको समझाते कि भी जाओ कि भाई ये सही है ये गलत है वगैरह वगैरह। सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, जो एक ये जो अम्भस ऋषि के अनुयायी है वो कह रहे हैं। चाणक्य क्या कह रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से।
सो दिस इज श्लोक नंबर 32 पेज नंबर 66 पे. महादोषम अबुद्ध अबुद्ध बोधनम इति कौटिल्य. चाणक्य का कहना है, कौटिल्य कहते हैं कि ये बहुत गलत है, ये बहुत दोषपूर्ण है. क्या दोषपूर्ण है? एक अबुद्ध बालक जिसको पता नहीं है, जो इग्नोरेंट है, जो जानता ही नहीं है कि सही या गलत क्या है, जिसको इस विषय में कोई एक्सपोजर ही नहीं था, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है यही पता नहीं है, उसको इस तरीके से समझाना एकदम गलत है. क्यों वो ये कह रहे हैं? वो कहते हैं नवम ही द्रव्यम येन येन अर्थ जातेन उपदीह्यते तद 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 अचूषति. वो कहते हैं कि नया द्रव्य, जैसे मिट्टी हो, जब मिट्टी का कोई बर्तन हो, है ना, नया नया है अभी, वो अभी कड़क नहीं हुआ है, एकदम फ्रेश है, उसमें आप जो भी डालो ना, वो आप उसको चूसता जाएगा, उसको आप जैसे मोल्ड करो वो मोल्ड होता जाएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ये अच्छा है क्या गलत है. आप पानी डालो तो वो पानी भी सोख लेगा, आप घी डालो तो वो घी भी सोख लेगा, आप पेट्रोल डालो वो पेट्रोल भी सोख लेगा, है ना. तो वो जब ताजा ताजा कुछ हो, जो अभी कड़क ना हुआ हो, कठिन ना हुआ हो, विच इज स्टिल टेकिंग शेप, वो तो जो बालक की बुद्धि होती है वो उस प्रकार की होती है, वो नवे नए द्रव्य की जैसे होती है कि आप उनको जो भी दो ना वो चूसते जाएंगे, दे विल जस्ट टेक इन, दे विल इंबाइब व्हाटएवर यू गिव देम. इसलिए वो कहते हैं एवं अयम नव बुद्धि ही यद उच्यते तत् शास्त्र तत्त शास्त्र उपदेशम इव अभिजानति. तो आप उनको जो भी बताओ ना बच्चों को, तो कहते हैं ये जो जो अबूद बालक है उसको आप जो भी कहोगे ऐसा करना चाहिए, उनको तो यही लगेगा कि हाँ ये सही है, इसलिए कहा जा रहा है. ये सही है या गलत है, पहले आपने उनको वो इंट्रोड्यूस वेसल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप समझाने जा रहे हो कि सही है गलत है, वो तो बात की बात है ना, पहले इंट्रोड्यूस हो गया, देयर सेंसेस आर नाउ अट्रैक्टेड टू इट, तो उनके लिए तो ये है कि हाँ ये भी सही है, दारू पीना तो सही है बचपन से देखा है, सिगरेट फूकना तो सही है बचपन से देखा है, क्या फर्क पड़ता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ना. तो इट्स वेरी इजी फॉर सच बच्चा टू फॉल इन टू दैट काइंड ऑफ व्यसन, जब उनको शुरुआत से ही ऐसा एक्सपोजर दे दिया हो, बिकॉज क्या सही क्या गलत वो फिल्टर तो कुछ है ही नहीं, जो उनके दिमाग में है वो सेट हो गया है ना. तो कौटिल्य का ये मानना है कि क्या करना चाहिए, तस्माद धर्मम अर्थम च तस्माद धर्म अर्थ च च अस्य उपदेश उपदेशेत अधर्म अनर्थ न अधर्म अनर्थ च. तो वो कहते हैं कि इसलिए ये जो बच्चे होते हैं ना उसको आप धर्म अर्थ, जो सही धर्म है, जो सही अर्थ है, उसका उपदेश दो, जो गलत है, अधर्म है, अनर्थ है, उसका उपदेश ही मत दो. देयर इज अ टाइम एंड एज फॉर एक्सपोजिंग द किड्स टू इवन रियलिटी. बचपन जब उनका दिमाग सेट ही नहीं हुआ हो, जब तक वो विवेक बुद्धि जो हम कहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, वही जब तक ना डेवलप हुई हो, उस समय उनको इस तरीके से व्यसनों को इंट्रोड्यूस कराना एकदम गलत है. ये कौटिल्य का मत है, ठीक है. वो कहते हैं इसलिए उनको आप सबसे पहले क्या सही है, धर्म अर्थ की बात, जो सही धर्म सही अर्थ की बात है वो आप उनको समझाओ, उनका फाउंडेशन तो पक्का करो. एक बार उनका वैल्यू सिस्टम पक्का हो जाए, उनका फाउंडेशन पक्का हो जाए, फिर आगे चल के ऑफकोर्स वेन दे आर एक्सपोज टू इट ऑल्सो द अदर थिंग्स, एटलीस्ट दे नो कि अच्छा ये सही है ये गलत है. ऑफकोर्स उसके बाद आगे जाके लाइफ में क्या होता है, वो व्यसन में पड़े नहीं पड़े वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट आपने उनको वो फाउंडेशन तो दिया है, ये वो वैल्यू सिस्टम तो बताई है कि क्या सही है क्या गलत है इसकी, है ना. तो वो बेस बनाना, वो फाउंडेशन बनाना अत्यंत आवश्यक है. और कौटिल्य के हिसाब से उसी तरीके से बच्चों का, जो बच्चे हैं जो समझ रहे, जो अभी समझदार नहीं हुए हैं, जो समझने के फेज में है, जिनकी बुद्धि डेवलप हो रही है, उनको सबसे पहले आप धर्म अर्थ की बात बताओ, व्यसनों में व्यसनों को इंट्रोड्यूस भी ना कराओ. पर अगर हो गए तो फिर क्या करो, है ना, यू नेवर नो, यू कम इन कॉन्टेक्ट, अलग अलग लोगों से परिचय होता है बच्चों का, युवराजों की का भी होता है, इतने लोग उनके पास आते हैं, सारे कोई अच्छे इंटेंशन से आते हैं ऐसा भी नहीं है. तो फिर अगर वो व्यसनों की तरफ बढ़ने लगे तो आप क्या करो, तो उसके लिए फिर चाणक्य कहते हैं एक्चुअली उसके पहले सत्रीणाम स्वेन तवस तवस्म इति वदन्तः पालेयुः. तो वो कहते हैं कि इसलिए जो बच्चे होते हैं ना, एक तो आप उनको धर्म अर्थ का उपदेश दो, अधर्म अनर्थ का उपदेश मत दो,
और दूसरा जो उनके पालक जो उनके संतरी जो स्पाइज है या और भी लोग हैं गार्डियंस जिनको नियुक्त किया गया है युवराज के पालन पोषण के लिए, वो लोग को एक तो ऐसा सिक्योर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं, ये वो कहेंगे तवस्व हम आपके ही हैं, उस तरीके से युवराज का पालन होना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए कि युवराज को लगे कि नहीं नहीं ये लोग हैं तो आई एम टेकन केयर ऑफ, अपनेपन की भावना हो, द युवराज डजंट फील निग्लेक्टेड। जब वो निग्लेक्टेड फील करेगा तब वो कहीं ना कहीं व्यसन में जाएगा, है ना। पर ये तो जब उसे लगे कि नहीं सिक्योर है, ही इज इन अ राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, उसकी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, उसको सही से उपदेश मिल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो, तो वो कहते हैं उसके लिए जो उनके साथ जो लोग हैं वो उसे तवस्व हम सब आप ही के हैं, उस तरीके से आप उनको उसके साथ डील करो, वदंतः पाले यु उनका पालन करो। और क्या यौवन यौवनोत्सुक सुकेत परस्त्रीषु मनः कुर्वाण आर्या व्यजनाभि स्त्रीभि मेध्याभि शून्यागारेषु रात्रा अवरुद्ध जयेयुः। तो कहते हैं कि सपोज ऐसा हो कि ये सब करने के बावजूद अगर वो जो जो युवराज है जो प्रिंस है यौवन में वो बड़े है हो रहे हैं, यौवन हार्मोन्स डू देयर वर्क राइट, वो उसके वो यौवन के नशे में यौवन के इसमें अगर उसका मन पर स्त्रियों की ओर जा रहा है, ठीक है, लस्ट में जा रहा है, काम में बहुत ज्यादा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि ही शुड बी इंट्रोड्यूस, जो मतलब आप स्वयं ही ऐसी स्त्रियों को बुलाओ जो रात में मिले इसको एक कमरे में मिले, बट दे बिहेव इन दिस वे कि उसका मन ही उठ जाए उस बात पर से। सो लेट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, उसको मन में तो है कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा 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 होगा, बट क्रिएट एन एक्सपीरियंस विच इज सो बैड दैट उसका ध्यान उसमें ना जाए, ठीक है। उसके आगे जैसे ही स्त्रियों की बात है उसके आगे वो मध्य काम की बात करते हैं, मध्य काम, मध्य मध्य मतलब मदिरा दारू मद्यपान, तो उसको मध्य काम योग पाने ना उद्वेज ये हु कि उसे दारू पीने का बहुत मन है उसमें वो चले जा रहा है, तो आप दारू के साथ ऐसी कोई वस्तु मिला दो योग पान ऐसा कुछ ये डाल दो कि उसका मन ही उससे ये हो जाएगी। पता है कई बार मुझे याद है बचपन में ऐसा था कि पनीर बहुत पसंद था, तो पनीर बहुत पसंद था, तो एक बार ऐसा होगा कि इतना पनीर खाया बचपन में, इतना पनीर खाया कि आई हैड अ टेरिबल बाउट ऑफ वो क्या कहते हैं कि उल्टी होती गई उल्टी होती गई उल्टी होती गई, एंड ये बहुत बचपन की बात है, आई थिंक आई मस्ट बी लाइक 7-8, दिल्ली हम लोग गए थे नाना मामा के घर, वहां पे ये हुआ था, और मुझे याद है मैंने मेरे जीवन के 20 वर्ष उसके बाद आई थिंक इससे भी ज्यादा पनीर कभी नहीं खाया, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है। और ये आपके भी साथ हुआ होगा, मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ था, काजू कतली के साथ उसका ऐसे हुआ था, दिवाली का टाइम था भर भर के काजू कतली खाई और इतनी ज्यादा तबीयत खराब अगले 2 दिनों के लिए कि फिर आज के दिन तक वो नहीं खाता, आज के दिन तक काजू काजू कतली उसके सामने रखो तो वो नहीं खाता, तो ये मन में बैठ जाता है, तो ही ये तो नेचुरल हो गया एंड फॉर थिंग्स विच शुडंट हैव हैपेंड, पर ऐसे जो एक्सपीरियंस बचपन में हो ना वो आप ट्रॉमा कहो जो भी कहो वो रह जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे व्यसन में जाए, अगर उसका मन युवराज का व्यसन में जाता जाए तो आप इस तरीके का अनुभव उसके लिए क्रिएट कराओ कि ही जस्ट लाइक बाबा रे बाबा इससे तो दूर रहो, व्हेन द राइट टाइम कम्स ऑफ कोर्स यू नो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बैक या जो भी, बट नहीं तो यू क्रिएट एन एक्सपीरियंस जिससे वो पूरी तरीके से उससे उसका मुंह ही मतलब वो उसे इनडिफरेंट सा हो जाए, उससे बाहर निकल आए, ठीक है। तो हाँ प्रदीप जी, यू वॉन्ट टू टॉक, कौन सा क्या एक्सपीरियंस है आपका भी बताएंगे। I had a similar experience of banana. मैंने एक बार बनाना खराब वाला खा लिया था. I still don't eat banana till date. So I was correlate the moment you said about paneer, I was able to correlate about banana. हाँ नहीं बट देखिए Yeah. कैसे काम करता है ना, और इसको एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली यूज करने के लिए कह रहे हैं चाणक्य Very, very interesting thought. जी। Yeah. बना हाँ जी, हम भी 11 साल के थे तो आपको याद है सावन में खीर बना करती थी, तो हाँ हमें बहुत शौक था खीर के ऊपर की मलाई खाने का। वो एक दिन इतनी खाई आई गॉट सिक, आज तक हम खीर नहीं खाते बनाते हैं 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खाते। उसके बाद आई गॉट एडिक्टेड टू चॉकलेट्स, दैट इज व्हेन आई वाज 11, बट देन व्हेन आई हैड माय डॉटर आई वाज अबाउट 30, चॉकलेट्स का इतना एडिक्शन। हमारे हस्बैंड टूर पे गए, बेटी थी साल भर की, उसका खाना बना के
चार दिन हमने चॉकलेट वो बड़ी वाली टोब्लरोन पड़ी थी, हे चार दिन भगवान, हमने खाली पानी और चॉकलेट खाया और किताब पढ़ते रहे, उसको देखते रहे। आज तक हम चॉकलेट नहीं खाते। नाउ आई एम 70 बिकॉज देन आई फिगर्ड आउट कि अगर ऐसा करो तो वो तलब खत्म हो जाती है। तो आज भी हम यही करते हैं। नाउ आई डोंट डू दैट। Now when I have the addiction, I go on a 72-hour, you know, अब हम क्या करते हैं, instead of overloading on thing, now I go on a 72-hour water fast to curb my, to reset thing. But अब अकल ज़्यादा आ गई है ना? Actually, आपने ये जो water fast वाली बात कही ना, ये actually काफी सही है। It works. जिनको किसी addiction से निकलना हो, चाय का एडिक्शन हो गया है, कॉफी का एडिक्शन वगैरह निकल हो, तो ये जो दो तीन दिन का वाटर फास्ट भूख भी नहीं लगती है बिकॉज आई हैव बीन रियली सफरिंग पिछले इवन लास्ट वीक। आई वाज आपकी क्लास नहीं थी तो अच्छा रहा, I ended up in the hospital. अरे बाप रे। Yes, for my asthma attack. अभी वो ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, steroids की वजह से वजन बढ़ा हुआ है, तो now since I know how to handle it, तो अब दवाई खत्म हो गई है, उसका असर खत्म हो गया है, now I can step on to the next level की अब now I can take over for health promotion. तो अब ये सब करना चालू हो जाएगा। हमने अच्छा खासा किया था, I lost about 35 pounds, I was very happy, फिर party time. Now I have to go back. should be fine, take care, अब ध्यान। But anyway, ये चीजें चलती रहती हैं, with age things come and with the sort of abuse I have been giving my body, ये सब चलता रहता है। Anyway, I'm always, because this Saturday is always keep me very happy, because इसके बाद हमारा एक और होगा, आर्य समाज का, then I go on to Sangam Talks, बड़ा मजा आता है। Wow. और कल वाला जो Sangam Talks है, that's going to be Flight of the Deities with Meenakshi Jain, which is one of my favorite topics. उसको चार बार तो किताब पढ़ी है। बहुत बहुत बढ़िया। जैसे आप सबका nice. है, वैसे ईशानी ने भी अपना कहा एक्सपीरियंस करेले के साथ। वाव, ये तो नई बात है। वो कह रही है कि वो करेला हर 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 खाने में खाती थी, एक तो लोग करेला खाते नहीं है, so this is really amazing. So good. Good, Shali. I hope you start eating again. Karela to achha hota hai, khun ke liye bhi achha hota hai, rakt ke liye. Lokesh Kumar ji asked, does Chanakya define up to what age child should be, this should be done? Nahin. Ye Chanakya, 15 ki jo umar hai na, to ye Chanakya Arthashastra mein nahi aata hai, par wo jo hai na, ki 5 varsh tak uska lalan palan kare, phir aur uske baad ki jo 10 varsh hai, tab tak taadan kare, tab tak unko samjhaye vagaire. ये जो है, और फिर उसके बाद उनको मित्र की तरह संभाले, ये चाणक्य नीति का ही है एक्चुअली। तो चाणक्य नीति में वो ये एज देते हैं कि पहले 5 वर्ष तक लालन करे, फिर उसके बाद 10 वर्षाणी ताड़िए, एंड फिर मित्र के साथ जैसे ये करे, तो उस हिसाब से दिस कुड बी राइट अप टू 15. दैट इज ऑल्सो द एज जब उनका एजुकेशन हो रहा हो ना, एजुकेशन चलता है 15 से 18 साल तक, तो ये जो डेवलपमेंटल फेज है उनका, एजुकेशन फेज है, ये तब तक है, क्योंकि उसके बाद तो वो बड़े हो जाएंगे, उसके बाद तो उनका खुद का भी क्या कहते हैं कि एजेंसी आ जाएगा ना, टू डू व्हाट दे वांट टू डू. सो यू आर राइट, इट कुड बी अप टू 15. ही डजंट स्पेसिफाई एनीथिंग इन अर्थशास्त्र, सो टू से, बट दैट वुड बी अ गुड गेस, बिकॉज वो चाणक्य नीति में यही उम्र का बताते हैं. थैंक यू जी, थैंक यू. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, तो खैर, तो वो कहते हैं कि ऐसे करके फिर वैसे ही वो, जैसे मद्यपान का है वैसे ही वो, कि उसको सपोज गैम्बलिंग का व्यसन हो गया, द्यूत का व्यसन हो गया, तो क्या करो, तो ऐसे लोगों के साथ उनको खिलाओ कि वो सारा हार कर जाए, उनके साथ चीटिंग हो जाए और फिर वो वापस कभी ना करे. तो इस तरीके से एज वी जस्ट डिस्कस, वो वैसे करके बता रहे हैं, तो ऐसे करके आप उनको वो जो है उससे आप निकालो, उन व्यसनों से निकालो. फिर वो कहते हैं कि सपोज ऐसा समय आए कि लोग उन्होंने लोगों ने उनको उश्केरा हो, है ना, छोटा सा युवराज हो, इवन स्पेशली जब यंग एज हो,
तब पॉसिबल है कि लोगों ने उनको उश्केरा हो फॉर व्हाटएवर रीजन, या फॉर व्हाटएवर रीजन वो स्वयं गुस्सा हो अपने पिताजी से, तो वो क्या कहते हैं कि अप्रार्थनीयो राजा विपन्ने घातः संपन्ने नरक पातः संक्रोश प्रजा भी एक एक लोष्ट अवध अवध च इति। तो वो कहते हैं कि तो तब उनको कैसे समझाओ कि सपोज वो अपने पिता के ही अगेंस्ट हो जाए होने जा रहा हो, तो उसको कैसे समझाओ, तो उसे तब समझाओ कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे और आप असफल रहो उस बात में, ठीक है, इफ यू ट्राई टू गो अगेंस्ट द किंग और अगर आप उस बात में असफल रहो तो क्या होगा, आप राजा के डिसफेवर में पड़ जाओगे, है ना, और दैट विल गिव गो अगेंस्ट यू। और अगर आप सफल भी होते और अगर आप सफल भी होते उस काम में राजा के अगेंस्ट जाने में, तो भी क्या होगा, आप नरक में पड़ोगे, आप नरक में पड़ोगे एक क्योंकि आपने गलत काम करा है, और साथ साथ जो प्रजा है, जो सिटीजंस है, वो आपके एकदम विरुद्ध में हो जाएगी। तो उनको उस तरीके से भी समझाओ, सो एंश्योर कि आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो ये है कि अगर वो व्यसन में पड़े हो, अगर वो मन उस तरफ गया हो, तो शो द कॉन्सिक्वेंसेस और एटलीस्ट लेट देम नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कि ऐसा हो सकता है, so that you take them out of that person. अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा कि अगर आपका कि पुत्र ऐसा हो गया हो कि भाई किसी बात में he is disalienated completely, है ना, हो सकता है कई बार कि वो alienate हो गया है, वो आपके फेवर में ही वो ऐसे ही काम करते हैं जो आपके फेवर में ना हो, तो आप क्या करो। तो इसे अगर आज ऐसा एक पुत्र हो, आपको एक ही पुत्र हो और वो इस तरीके का हो गया हो, alienate हो गया हो, तो ऐसे पुत्र को आप क्या करो, बंधन में डाल दो, बंधन में डाल दो, और फिर चाहिए तो उसको आप मरवा दो, व्हाटएवर, सो इम्प्रिजन हिम, डोंट लेट हिम लूज, ठीक है। पर अगर आपके बहुत सारे पुत्र हो तो फिर आप क्या करो, बहुत सारे पुत्र हो उसमें से कोई ऐसा हो गया हो, देन आपको उसको इम्प्रिजन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको अपने राज्य से कहीं तो बहुत दूर भेज दो, इस तरीके से दूर भेज दो कि वो और कहीं जाकर भी किसी के लिए मुसीबत ना करे, तो कीप एन आई ऑन हिम बट बैनिश हिम, उनको अपने किंगडम से आप बैनिश कर दो अगर बहुत पुत्र हो और उसमें से कोई ऐसा पुत्र निकले तो। और अगर उसमें सारे गुण हो, अगर एक ऐसा युवराज हो जिसमें सारे गुण हो, शौर्य हो, समझ हो, तो उसको आप युवराज पद पर स्थापित कर दो, ठीक है। अच्छा, युवराज और प्रिंस, उसमें थोड़ा सा फर्क है, युवराज इज द क्राउन प्रिंस, जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये मेरे बाद राजा बनेंगे, दैट इज युवराज, ठीक है। बाकी प्रिंस तो प्रिंस होते हैं, जो बाकी बच्चे हैं वो एक जैसे होते हैं, सभी के सभी है, बट क्राउन प्रिंस इज अ स्पेसिफिक एज कि युवराज आप जब कहो तो इट टिपिकली मींस कि एटलीस्ट इसमें कि युवराज स्थापय, मतलब उनको क्राउन प्रिंस पोजिशन पे डाल दो, टू ऑल्सो इंस्टिल कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे बाद तुम्हारा ही है, अगर उसमें सारे गुण हो तो, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि बच्चे किस किस प्रकार के होते हैं, एक राजा है उनके बच्चे, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर राजा, ये हम सबके लिए हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो वो कहते हैं बुद्धिमान आहार्य बुद्धि ही दुर्बुद्धि ही इति पुत्र विशेषः, कि या तो आपका बच्चा बुद्धिमान हो, बुद्धिमान का अर्थ क्या, शिष्य मानो धर्म अर्थ अर्थ उपलभ्यते च अनुतिष्ठति च बुद्धिमान, आप जब उनको धर्म और अर्थ इस सब का उपदेश दो तो एक तो उनको वो समझ आता है, पहली बात शिष्य मानो समझ आता है, उपलब्ध है उनको समझ आता है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है अनुतिष्ठति, उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उस हिसाब से वो अपने प्रैक्टिस में भी लाते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो लोग हैं, हमें कहना चाहिए बच्चे क्या, क्योंकि ये तो हम सब पर लागू होता है, ऐसे जो है वो बुद्धिमान है। आहार्य बुद्धि मतलब क्या, उपलब्ध मानो न अनुतिष्ठति आहार्य बुद्धि, कि उनको समझ तो आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसा पॉलिसी होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब समझ तो आता है, परंतु वो प्रैक्टिस में नहीं लाते, ठीक है। समझ तो आ गया है, थ्योरी समझ आ गया है, बट नथिंग इन प्रैक्टिस, नथिंग इन इम्प्लीमेंटेशन, इनको कहते हैं आहार्य बुद्धि। और जो तीसरा है वो कैसा है, अपाय नित्यो धर्मार्थ द्वेषी, जो दुर्बुद्धि है वो कैसा है कि वो हमेशा धर्म द्वेषी है,
उनको उल्टा ही समझ में आता है, आप कुछ भी एक्सप्लेन करने जाओ उनको, उसका वो गलत ही इन्फरेंस निकालेंगे, उनकी बुद्धि उल्टी चलती है। जैसे कि आपको गीता में याद हो, गीता में हमने सत्व रजस तमस, हमने कहा था कि श्रद्धा ऐसा होता है, आपका जो व्यवहार है सारा ही सत्व रजस तमस में पड़ता है, और जो एस्पेक्ट्स है मन बुद्धि ये सब भी सत्व रजस तमस में पड़ता है। और तामसिक बुद्धि क्या, तो तामसिक बुद्धि वो कहती सत्व सात्विक बुद्धि क्या, जिसको सब समझ में आता है, जो जैसा है वैसा समझ में आता है। राजसिक बुद्धि क्या, जिसको कंफ्यूजन हो। और तामसिक बुद्धि क्या, जिसको जो है उससे उल्टा ही हमेशा समझ में आता है। तो वो कहते हैं ऐसे दुर्बुद्धि मनुष्य लोग भी हो सकते हैं, जो इनहेरेंटली ऐसे हो कि उनको वो जो जो करना चाहिए उससे उलट ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग होंगे। तो सपोज आपके बच्चे हैं वो पहले दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, तब तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर वो दुर्बुद्धि कैटेगरी में पढ़े तो क्या करना चाहिए? तो वैसे को वो कहते हैं कि अगर ऐसा आपका पुत्र हो जाए ना, कि आपको एक ही पुत्र है और वो ऐसा निकले दुर्बुद्धि, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई कि उसका बच्चा जल्दी से पैदा हो जाए, बिकॉज यू नीड अ हायर, यू नीड समबडी एज हु इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम यू, आपके बाद कोई राजा बने ये तो आपको चाहिए। तो फिर आप क्या करो, तो एटलीस्ट ऐसा प्रयत्न करो कि इसका बच्चा जल्दी से हो जाए और आप आपको इसको राजा ना बनाना पड़े। ठीक है, पर अगर सपोज इसका बच्चा होने की परिस्थिति नहीं है तो क्या करो, तो वो कहते हैं पुत्री का पुत्रा पुत्रान उत्पादये द्वा, पहले तो है कि स यद एक पुत्र पुत्रोत्पाद पुत्र उत्पातस्य प्रयतेत, कि अगर एक ही ऐसा पुत्र है जो दुर्बुद्धि है तो क्या करो, उसका बच्चा हो ऐसा प्रयत्न करो। अगर वो नहीं है तो फिर या तो फिर क्या करो, पुत्री का पुत्रान उत्पादये, कि पुत्री का पुत्र हो, कि अपनी बेटी हो आपको, तो उसको पुत्र हो सके ऐसा कुछ करो, जल्दी से शादी कर दो, गेट देम टू कंसीव, जल्दी जल्दी ये बच्चा पैदा करवाओ, ताकि एटलीस्ट जो आप अगर आपके जो नाती हैं वो भी आपके अगर पुत्री के भी बच्चे हैं तो दे ऑल्सो कैन बी दे हैव द क्लेम टू योर किंगडम एज वेल, तो या तो उसके थ्रू करो। पर अगर वो ऑप्शन भी नहीं है और आप अगर बहुत वृद्ध हो गए हो, ठीक आपकी तबीयत ना हो, तो क्या करो, देन ही सजेस्ट कि आप नियोग मार्ग पर जाओ। नियोग तो हम सब जानते हैं, हमने देखा है महाभारत में, जो विचित्र वीर्य तो गुजर गए थे, फिर उसके बाद जो धृतराष्ट्र पांडु इनका जन्म हुआ वो नियोग द्वारा हुआ। इनफैक्ट ये जो पांडव हैं, पांचों पांडव, उनका जन्म नियोग द्वारा हुआ। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप अच्छे किसी अच्छे पुरुष के साथ, हु इज ईदर फ्रॉम योर फैमिली या योर मदर्स साइड, आपके मामा के साइड के, राजा के मामा के साइड के, जो मातृ बांधव है उनके साइड पे ऐसा कोई हो जो नियोग के लिए तैयार हो, उससे आप नियोग करवाइए एंड गेट 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 अ सन हु विल देन लीड द किंगडम। न च एक पुत्रम अविहितम राज्य स्थापये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं परंतु आपका एक ही पुत्र हो और वो अगर अविनीत हो, अगर वो ऐसा दुर्बुद्धि हो, तो ऐसे को आप राज्य पे स्थापित ना करें, कोई ऑप्शन नहीं है, कर दो नहीं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अगर पुत्र में कैपेबिलिटी ना हो तो आपको उसको राज्य पे स्थापित नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर ऐसा वो दुर्बुद्धि हो तो। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही गिव्स ऑप्शन कि कैसे करना चाहिए। और वो कहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल, ठीक है आपके बहुत बच्चे हो तो जो सबसे गुणी हो उसको आप करिए, और एज फार एज पॉसिबल तो जो ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठ पुत्र को, दैट्स हाउ मोस्ट, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे किंगडम्स यू नीड टू हैव अ क्या कहते हैं, यू नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ परंपरा ना जो चलती रहे, अ सिस्टम विच कंटिन्यूज, नहीं तो हर बार वो लड़ाई होगी ये वो, तो और आपको पता हो कि ज्येष्ठ पुत्रों को करना हो तो आप उनको ट्रेन भी उस तरीके से करेंगे। तो इज एज फार एज पॉसिबल, अगर ज्येष्ठ पुत्र में सारे गुण है तो उसी को बनाइए कि कंटिन्यू दैट परंपरा, ही ऑल्सो सेज दैट, ठीक है। बट अगर अगर उसमें वो कोई गुण ना हो तो उसको मत करिए, किसी और को करिए, और कोई ऐसा पुत्र ही ना हो देन फाइंड ऑप्शन। सो इज वेरी, बहुत क्लियरली वो बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, कुलस्य वा भवेत राज्यम कुल संघो ही दुर्जय अराज्य व्यसना व्यसना बाध शश्वेद अवसति शश्वेद अवसति रक्षितम। तो कहते हैं कि जो राज है ना, राज जो किंगडम है उसपे केवल राजा का राज हो, उसके बजाय अगर राज कुल का राज हो
वो ज्यादा दुर्जय होगा। राजकुल का मतलब क्या कि हम अगर देखें महाभारत है ना, तो महाभारत में इट वॉज नॉट एज इफ धृतराष्ट्र और पांडु और एनी वन पर्सन हैड राइट ओवर द किंगडम। इट वॉज द भरत वंश, जो भरत वंश, जो भारत वंश जिसको हम कहते हैं, उनका अधिकार था। इसलिए उसमें से जो भी गुणी हो वो बन सकता था। तो अगर आप वैसे करोगे कि कुल का उस पर अधिकार हो, केवल एक इसका नहीं, तो आपको ये जो आपके बाद जो सक्सेसर्स ढूंढने जाना पड़े अलग से, ये भी नहीं होगा। आप अपने कुल में से, परिवार में से जो भी सही होगा उसको आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट कुड लीड टू टेंशन एंड मोर फाइट्स एंड ये सब होगा, बट अगर पूरे कुल का अधिकार होगा तो पूरा कुल एकत्रित होगा आपके राज्य को बचाने के लिए भी, और उस परिस्थिति में आपका जो राज्य है वो दुर्जय भी होगा। तो ही इज गोइंग मोर इन द ये ऑफ कि हैव अ नॉट एग्जैक्टली अ रिपब्लिक, छोटू से वो राजकुल की बात कर रहे हैं कि हैव अ ग्रुप प्रिसाइडिंग रादर देन जस्ट वन पर्सन, रादर देन जस्ट सेइंग कि एक ही राजा और उसके बच्चे राज्य। तो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। पर हाँ, उसके पहले आप लोगों को कुछ कहना है तो। हाँ पूनम जी, दो चीजें, एक तो जब उन्होंने कहा कि कुल की बात, सो दैट इज द डायनेस्टी ट्रेडिशन, यस करेक्ट, और दूसरी जब उन्होंने नियोग की बात करी कि अगर नहीं हो तो ये करो, अगर नहीं हो तो ऐसा ढूंढ के, इसका मतलब है ये रहा कि वो जमाने में भी सनातन धर्म में, बिकॉज देवर सनातन धर्म, ठीक है, हिंदू हिंदू नहीं बोलते लेकिन देवर सनातन, उसमें ये था जिसको बोलते हैं आजकल क्या उसको कहते हैं, स्पर्म डोनेशन वाला, बट यू हैड देवर रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट क्वालिटीज आर यू टू पिक बिफोर यू गो एंड हैव द चाइल्ड, इवन इफ इट इज फ्रॉम द हस्बैंड, हाँ, पर ये तो दैट हमने महाभारत में भी देखा है ना, वो ये तो वी हैव महाभारत सीन में भी लाइव था, एग्जांपल्स ऑफ दिस, यस, वो तो तो लेकिन ये बहुत तो पुराना हो गया ना, दिस इज मोर रीसेंट, था। हाँ तो वो बात काफी करो, नए तक था, तो इसका मतलब जो भी उसमें सब बदलाव आए वो बाद में आए, उसकी काफी देर, महाभारत को तो कितने बोलते हैं 8,000 साल हो गए, लेकिन ये तो अभी 2,300 साल पहले की बात है, तो एज रिसेंटली एज नाउ वी हैड इट, करेक्ट, वेरी सो राइट जी, जस्ट वांटेड टू टेल, तो आज अगर लोग कहते हैं ये कैसा वो कैसा, तो वी आर जस्ट गोइंग आउटसाइड विद आउटसाइड इन्फ्लुएंस, नॉट विद आवर थिंग, राजेश्वर जी। आई वॉज थिंकिंग गोइंग टू से द सेम थिंग, द 52nd श्लोक में जो बताया है वो महाभारत में धृतराष्ट्र पांडु और विदुर का जो जन्म हुआ था व्यास महर्षि के द्वारा, तो वो इज दैट द सेम एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी, दैट, वो भी, और इवन जो ये जो पांडवों का जन्म हुआ है दैट इज ऑल्सो नियोग, क्योंकि पांडु के द्वारा नहीं हुआ ना वो। आप जो भी मानो कि कुंती ने अलग अलग लोगों को बुलाया, उससे सिमिलरली माद्री का भी जो जन्म है, ये जो सहदेव नकुल का भी जन्म है वो पांडु के द्वारा तो नहीं है ना, क्योंकि उसको तो वो श्राप था, इवन दैट इज राइट नियोग। राइट, सो एक्चुअली दे वर मोर, इट वॉज अ फ्रीयर सोसाइटी, वी करंटली वी थिंक ऑफ दैट एंड ये कैसे, ये तो गलत लगता है हमारे टाइम में, पर परहैप्स वी आर मोर कंजर्वेटिव करेक्ट, देन बट देवर, नियोग जो है ना उसका बहुत ही क्लियर रूल्स होता था कि नियोग आप कैसे करो। ठीक है, नियोग के लिए इट कुडंट बी डन आउट ऑफ लस्ट, तो उसको आप कम रखो। तो उसके लिए क्या होता था कि जो भी पुरुष है जो नियोग के लिए बुलाया गया हो वो अपने ही वुड बी क्या कहते हैं कि ऐसे वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे, या उनको सर्टेन काइंड में तैयार होके आना है। तो जरूरी नहीं है कि रानी उनके साथ, अगर इफ शी इज हैविंग संभोग विद देम तो वो उसके साथ अट्रैक्ट होके काममय होके करे, एक तो ऐसी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो देर आर रूल्स अराउंड दैट। सेकेंड, एज सून एज द जो गर्भ स्थापित हो जाता है उसके बाद इट कांट कंटिन्यू कि अच्छा चलो अब हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो इट वॉज येस मोर फॉरवर्ड इन द सेंस कि बच्चे प्राप्ति के लिए, प्रोजेनी के लिए, अगर आपका, क्योंकि हैविंग अ प्रोजेनी वॉज द सेंटर स्टोन ऑफ द गृहस्थ आश्रम। अभी हमारा जो मान्यता है ना कि अरे शादी कर लो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स,
बच्चे हो ना हो डजंट मैटर, इट्स अ डिसीजन वी टेक, इट्स माय चॉइस. ऐसा जो जो पुरानी सोसाइटीज रही है उसमें ऐसा नहीं है, देयर वाज नो चॉइस. गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा कार्य ही होता था लिनिएज को चलाना, वन ऑफ द बिग टास्क, और उसमें बच्चा होना वाज नॉट अ चॉइस दैट पीपल मेड, बच्चा होना ही चाहिए, इट वाज फॉर आपत्य, ऐसा था. तो इसलिए वो आपत्य के लिए, प्रोजेनी के लिए दे हैड सम ऑफ दीज, ये कि अगर नहीं हो रहा है तो इस तरीके से भी आप कर सकते. Okay, that's interesting. I didn't know it was not a choice because I'm okay. Not a choice as in ab nahi ho raha hai to it's a different thing, right? And it's not as if koi kahe ki humko nahi chahiye. Acha, there's the other thing, right? There were no contraceptives at that time. Aur bhrun hatya to वैसे ही हमारे में बिल्कुल पाप माना जाता है. So तो अब भ्रूण हत्या तो पाप है, तो वो तो आप नहीं कर सकते, और contraceptives थे नहीं, तो या तो you refrain from sex. Then that's a different thing, but नहीं तो बच्चा हो ही जाएगा. Right. पर अगर अभी राजा का की बात हो तो समझ सकते हैं क्योंकि उनका राज्य है and you have to have a heir to the throne and all of that. पर जो सामान्य जन है तो उनके लिए भी अगर बच्चा नहीं, परिवार की लिनिएज जो है उसे तो चालू रखना आवश्यक हर एक के लिए कहा गया है, गृहस्थ के लिए. आपको आपके राजा के लिए तो ठीक है, इट्स अ बिगर डिसीजन, है ना, पर हर एक गृहस्थ में, हर एक गृहस्थ का अपना स्पीशीज प्रोपगेट करना वो तो बहुत ही आवश्यक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इसीलिए वो इवन तैत्रिय उपनिषद में कहते हैं कि प्रजातंतुम ना व्यवत्ससी. जो जब ये स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं कॉन्वोकेशन के बाद, आप सोचिए वो कॉन्वोकेशन जैसा वो सिचुएशन है, और जो वो धर्मम चर सत्यम वद धर्मम चर ये सब बता रहे हैं उनको कि कैसे करो, कि हमारी जो अच्छी बातें हैं वो आप सीखो, हमारी जो अच्छी बातें हैं वो बुरी बातें हैं वो आप मत सीखो, वगैरह वगैरह. और उसमें वो एक बात ये कहते हैं कि प्रजातंतुम मा व्यवस्थसी. आप सोचो हमारे कॉन्वोकेशन में कोई अब आज के दिन ऐसे कहेगा, उनको लोग सब बोलेंगे कितने बैकवर्ड है, बट तब वो कहते हैं कि नहीं, जो आपकी प्रजातंतु है वो खत्म नहीं होनी चाहिए. अगेन टू थिंक ऑफ इट, वी टॉक अबाउट धर्म, धर्म इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वॉट, ऑफ द समाज. अगर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो सस्टेनेबिलिटी कहां से होगी, दैट इज द अदर थिंग, राइट. आप देखो कुछ कुछ जो साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ है वहां फर्टिलिटी रेट्स इतने कम हो गए हैं कि एक्चुअली अनसस्टेनेबल हो गया. जर्मनी वगैरह में दे हैव अंडर 1% फर्टिलिटी, ये राइट. तो क्या करना पड़ रहा है उनको, दे आर हैविंग टू गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू सेटल इन, नहीं तो उनकी इकोनॉमी चलेगी कैसे, राइट. सो दैट इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आपको इवन समाज के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको बच्चे तो होना आवश्यक है. लेकिन अमी जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे मत पैदा करो, वो खुद तो ढेरों के ढेरों पैदा कर रहे हैं. कौन कह रहा है सर? जो जो भी कम्युनिटीज, जो भी ग्रुप्स ये कहते हैं कि यहाँ पे जी आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो करो, द ग्रुप्स हु आर डूइंग दैट आर नॉट इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस चिल्ड्रन. सो जो ये इसके अंदर प्रिंसिपल है आपका, वो क्या बोलते हैं, तंतु, कुल तंतु चलते, प्रजा तंतु चलता रहना चाहिए, दैट इज द बेसिस फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी इज, कोई मानता है कोई नहीं मानता है. Correct. कोई दूसरे पर थोपता है, कहता है जी ये लॉजिकल है आप मत करो, वो आज की बात है, है ना, और आज की बात, आज की बात है, वो अलग है. बात कर रहे, लॉजिकल तो वो हमेशा ही रहेगा. आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति अलग थी, हमको हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिहेव करना है, ठीक है. सो वी टेक आवर कॉल एज वी नीड टू. आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग बच्चे हो या ना हो या ऐसा कुछ भी. I am just saying what was the concept as it is given in Grihastha Dharma. I'm also saying over time change होते रहता है. पूनम जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. हम भी वही बोल रहे हैं कि जिसको अभी हमने इसमें डाला था, mindful appropriation has been always the thing. But the thing is, आजकल के परिपेक्ष में ये जो झगड़ा हो रहा है, जो लोग बोलते हैं तुम लोग बच्चे बहुत पैदा कर रहे हो, वो खुद तो रोक नहीं रहे, दूसरों कह रहे तुम मत करो. ये सब पॉलिटिक्स है, इसको हम क्यों अभी डिस्कस करें, है ना, वो सब डजंट मैटर. वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर टॉपिक.
there is no point of always discussion. It was self imposed. लोग खुद सोच कर करते थे instead of others के लिए. ये बात हम कर. This is what I'm coming to. राजेश्वरी जी, क्लियर टू यू आप जो कह रहे थे? मतलब आई होप इट हैज Yes, yes, and it's clear, and also I think this, like you said, it should not be either extreme, but this is probably where the dharma and the indriya nigraha and all that is very important, because this can become a slippery slope pretty fast. You have to be in control of So thank you. The thing of kaam, right? Jo hum dharma artha kaam moksha ki baat karte hain. Kaam is desire, kaam is also lust. But not in the sense of lust as it is today. So even the concept of sex, right? Usme bhi there were rules and regulations. Ki aap kaise karo? Of course, it was not for everybody. Ki aap sabko sa, it is definitely something for entertainment, enjoyment as well. But that is one aspect of it. It was essentially for procreation. Isliye wo kehte the ki is time pe. To jaise na hum dekhte hain ki hamare rishi hote the. उनको एक ओर पे हम ब्रह्मचारी कहेंगे, पर दूसरी ओर पे उनके वाइफ भी होते थे, बच्चे भी होते थे. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ब्रह्मचारी है तो उनके बच्चे और वाइफ कैसे हो सकते हैं? सो द कॉन्सेप्ट देयर इज कि उसमें आपका जो एक्टिविटी ऑफ सेक्स है, दैट इज नॉट फॉर प्लेजर. यू आर डूइंग इट प्योरली एंड प्योरली फॉर प्रोक्रिएशन. तो इसीलिए देयर इज अ सर्टेन टाइम, जब वो ऋतुकाल होता है, जो आज भी हम कहते हैं ना कि अगर आपको बच्चा करना हो तो देयर इज अ सर्टेन टाइम फ्रेम. तो जब ऋतुकाल होता है, आप उसी टाइम पे संभोग करो, सो दैट देयर इज सम आउटपुट टू इट. या नॉट टू से दैट इट वाज नेवर फॉर प्लेजर, ऐसा नहीं था. इसीलिए तो राजा जो होते थे, उनकी इतनी सारी स्त्रियां होती थी. एक तो जो मैरिड विमेन होती थी, बट हारेम हमारे राजाओं के भी होते थे. ऐसा नहीं है कि और उनके इसमें स्त्रियां नहीं होती थी, ठीक है? तो दैट वॉज ऑल्सो देयर, बट इट इज जैसे अगेन व्हेन इट कम्स टू, जैसे आपका लाइफ एलिवेट होते जाता है, then some of these rules and regulations come into play more, right? जैसे ब्राह्मणों के लिए, especially जो ऋषि मुनियों के लिए, there will be stricter, ये in terms of how do you indulge, least indulgence. So if you see, अगर हम वो जो वर्ण व्यवस्था की भी बात करें ना, तो basically rules and regulations in terms of indulgence, which is basically इंद्रिय indulgence, become lesser and lesser as you go down, and or rather it becomes stricter and stricter as you go up. ब्राह्मण जो होते थे, उनके लिए सबसे ज्यादा होता था, द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंद्रिय निग्रह वॉज मैक्सिमम फ्रॉम देम वर्सेस द अदर्स. या एंड द मोर इंद्रिय निग्रह, हेंस यू डिजर्वड मोर रिस्पेक्ट. हेंस इट वॉज अज्यूम कि शायद आपकी जो बुद्धि है वो ज्यादा योगस्थ बुद्धि है और आप सही से एडवाइसेस दे पाएंगे. या सो दिस इज हाउ इट वॉज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड, कि मतलब वो जो हम रिस्पेक्ट और वर्ण व्यवस्था और इसकी जो हम बात करते हैं, तो वो क्यों वैसे होता था? बिकॉज ऑफ दिस एज वेल, कि आप जितना, आप पर जो रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल है वो सबसे अधिक होती थी. खाने पीने से लेके, काम से लेके, जैसे वो पढ़ाते थे शिक्षण, तो शिक्षण के लिए भी देर वर दे कुडंट चार्ज फॉर एवरीथिंग दैट दे डू. जो उनको भिक्षा मिलेगी वही होता था. ऑफकोर्स थिंग्स चेंज लेटर ऑन, ठीक है, बट दैट वॉज द आइडिया कि सबसे ज्यादा इंद्रिय निग्रह. आपको अगर भिक्षा मिले तो खाना है, नहीं मिले तो नहीं. यू कांट इवन चार्ज फॉर व्हाट योर प्रोफेशन वगैरह वगैरह. तो दैट वाज द आइडिया, सो टू से. एंड एज आई सेड, जस्ट टू क्लेरिफाई, इट वाज नॉट एज इफ काम वाज नॉट फॉर सेक्स, इसलिए इज नॉट फॉर प्लेजर, बिकॉज काम सूत्र वगैरह भी होते थे. बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट, व्हेन वी से धर्म अर्थ काम मोक्ष, वॉज द काम देयर रिप्रेजेंट्स फॉर कंटिन्यूटी. या कंटिन्यूटी ऑफ योर प्रजा. And that is one of the expectations of Grihastashram as it was understood there. So, I'm just conceptually talking. Okay. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Rohit, aapka haath maine dekha tha upar. Haan, namaste, Amni ji. So, Amni ji, this is a question from comment. Does Chanakya differentiate at any point between Rashtra and Rajya? The reason I'm asking this question is, के फ्रॉम हिज स्टेटमेंट के अगर बच्चा योग्य नहीं है तो उसको बिठाओ मत, इट इज क्लियर दैट ही इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, बट ही हैज अ बिगर एंटिटी इन माइंड विच इज राष्ट्र. यू नो, उसको चंद्रगुप्त के बच्चे हो ना हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हिम. फॉर हिम इट इज इम्पॉर्टेंट कि राष्ट्र कैसा है, द ओवरऑल दिस थिंग.
सो दैट्स अ बिगर गोल इन माइंड एंड सेकंडली आप जो कह रहे हो राज्य परिवार और राज्य की बात है ना इट्स स्टेट वर्सेस द स्टेट हेड नॉट राज्य वर्सेस राष्ट्र आई थिंक राज्य एंड राष्ट्र आर यूज्ड इंटरचेंजेबली ओके ओके बिकॉज इट इज क्लियर के उनको पर से चंद्रगुप्त का वंश पड़े आई डोंट थिंक ही इज मोर कंसर्न्ड विद दैट ही इज कंसर्न्ड विद राष्ट्र का हित किस चीज में है ज्यादातर and secondly I feel ये जो whether we should have kids or not अगर ये चाणक्य से पूछा जाए he would say इतना पढ़ लिया है तो he would say के as per the situation अगर किसी scenario में I feel he would say के if overpopulation is leading to nation's downfall don't have but in fact in any scenario population is less again it's leading to Rashtra's downfall then do have so I think it will again be contextual depending on the time because Chanakya has always been that practical about things. Correct. So that's what. So, आज के परिपेक्ष में, his view may or may not may have been as you said, right? But overall, I am going by Dharmashastra और Dharmashastra के हिसाब से एक काम के not. In fact, अगर आप देखो ना तो ऐसा भी नहीं है कि राजाओं को कितने ही बच्चे होते गए. ठीक है. पहली बात वो. दूसरी बात, it is also dependent on the lifespan of the people at that time. The death rate of people at that time. आज की परिस्थिति ही एकदम अलग है आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ऐसे बात बात पे वॉर हो गए और लोग मरते गए ऐसा भी कुछ नहीं है प्लस टेक्नोलॉजी हैज चेंज राइट पहले तो आपको अगर आपका इनकम बढ़ाना हो द मोर हैंड्स यू हैड द बेटर यू विल अर्न है ना अगर वो कृषि है या कोई शिल्पकार है वगैरह वगैरह तो मोर हैंड्स मींस मोर प्रॉस्पेरिटी मींस मोर मनी यू कैन जनरेट अब तो ऐसा नहीं है अब प्रोडक्टिविटी हैज चेंज योर टेक्नोलॉजी हैज चेंज सो द सिचुएशन हैज चेंज ड्रास्टिकली सो व्हाट वाज नीडेड एट दैट टाइम मे बी वेरी डिफरेंट नाउ एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एज वेल राइट अगर अभी हैविंग 15 किड्स लीड्स टू अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द फैमिली इटसेल्फ कि आपको बच्चों को आप सही से एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर इट इज नॉट अ सस्टेनेबल सिस्टम राइट इन दैट केस यू हैव टू रीलुक एट व्हाट यू आर व्हाट इज इट दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सो इट्स ऑलवेज द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म एंड सस्टेनेबिलिटी अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमको ये कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा सो यस रोहित आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट हाँ रोहित और कुछ कहना आपको नहीं अमित जी थैंक यू बट इट्स ग्रेट टू नो दैट चाणक्य यूजुअली मोनार्की मतलब हमको लगता है कि राजा के बाप दादा की जाति है पूरी कंट्री ऐसा नहीं है चाणक्य इज क्लियर के द राष्ट्र इज बिगर दैट द किंग सो दैट्स गुड टू नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ही इज वेरी क्लियर अगर वो लायक नहीं है तो चले जाना चाहिए तो अगर अगर कोई लायक नहीं है तो उनको एलिवेट नहीं करना चाहिए यू हैव टू बेटर फाइंड ऑप्शंस फॉर दैट एब्सोल्युटली तो इसके बाद का जो चैप्टर है ना वी नॉट रीड इट मैं सिर्फ बता देती हूँ उसमें क्या है उसमें ये है कि अभी उन्होंने ये कहा ये चैप्टर जो था वो था कि राजा को अपने जो पुत्र है उससे भी सावधान रहना चाहिए और किस तरीके से उस परिस्थिति में या एक अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए बड़ा करना चाहिए ऑल ऑफ दैट ठीक है और किस तरीके से अपने सक्सेसर चूज करना चाहिए आई सॉ वन कमेंट आई थिंक लोकेश जी ने कहा सक्सेशन प्लानिंग तो वेरी राइट कि सक्सेशन प्लानिंग कैसे करना चाहिए नाउ देयर इज द अदर साइड टू इट राइट जो राजपुत्र है राजपुत्र इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल इन हिज ओन राइट हु हैज अ क्लेम ऑन द किंगडम तो वो कहते हैं कि राजपुत्र को कैसे बिहेव करना चाहिए ठीक है तो ही स्टार्ट्स ऑफ सेइंग दैट एज फार एज पॉसिबल जो राजपुत्र है उन्होंने अपने पिता की बात माननी चाहिए जो काम में वो लगाएंगे वो काम करना चाहिए और अपने आप को उस काम में प्रूव करके दिखाना चाहिए एंड जो भी एडवाइजर्स हैं जो भी मंत्री हैं जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब से आपको राय लेकर यू हैव टू बी क्या कहते हैं यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू शो योर एक्सपर्टीज और उस हिसाब से आपको अपना जो कैपेबिलिटी है जो सामर्थ्य है वो भी प्रूव करना चाहिए ठीक है परंतु उसके बाद भी अगर राजा आपके साथ बायस्ड ही बिहेव करे ठीक है आप कुछ भी कर लो राजा का कोई ऐसा प्रेफरेंस हो कि मतलब या तो वो आपकी माँ को पसंद ना करता हो या वो किसी और रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता हो
इसके कारण आपके साथ हमेशा अन्याय होता हो या इसके कारण आप डिसफेवर में पड़ गए हो और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपके प्राणों पर ही डेंजर, आपके प्राण ही डेंजर में पड़ गए हैं, उन पर ही भय आ गया है प्राण पर, जो आपको लगता है कि राजा जानबूझ के, क्योंकि उनका फेवर किसी और बच्चों के साथ है और पत्नी के साथ है, आपको बाईपास कर देंगे या इवन मरवा देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? एंड देयर इज मेरिट टू दिस स्थिति, तब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, एक तो आप सामर्थ्य हो, ये सब हो, तो उसमें वो कहते हैं, उसमें चाणक्य टेक्स एग्जैक्टली द स्टैंड विच अ राजपुत्र शुड टेक. ही सेज ही शुड डू एवरीथिंग टू सेव हिज लाइफ. उसे एक तो वहां से निकल जाना चाहिए कहीं दूर, और दूर निकल जाके अपने आप को और सामर्थ्यशाली करना चाहिए, मतलब मेक द राइट फ्रेंड्स, कलेक्ट ट्रेजर. अच्छा, क्योंकि एक तो मेक राइट फ्रेंड्स, वो तो एक चीज है कि आप सही से अलाय सही से ढूंढो जो आपके साथ रहेंगे. आप राज्य में भी लोगों को फोड़ो करो, आप उस तरीके से बिहेव करो कि लोग आपके साथ आ जाए. ठीक है, ये तो एक बात है, जो बड़े मंत्री हैं या अंतपाल है, जो सेना के लोग हैं वगैरह वगैरह. उसके अलावा आपको पैसा भी चाहिए टू बाय सम ऑफ दीज पीपल, है ना? तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप राजा के तो डिसफेवर में हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबसे आपको मिले. तो वो कुछ कुछ ऐसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को आप डिसीव भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके प्राणों का भय है ना. तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई विधवाएं हो who have lot of money, तो you can deceive them and take their money. किसी ऐसे कोई कैरवान हो जो ट्रेड वाले हो, जो आते जाते हो, आपके राज्य के ना हो, आप उनपे धावा बोल के उनका पैसा भी ले लो. ठीक है, द पॉइंट इज यू मेक योर सेल्फ सक्षम. आप अपने आप को अर्थ से और शक्ति से, सेना से सामर्थ्यशाली बनाओ, एलायंस के द्वारा सामर्थ्यशाली बनाओ. ठीक है, और लोगों को अपनी तरफ करते जाओ कि भाई मैं भी, मेरा भी हक है इस राज्य पर, और अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको दुगना पैसा दूंगा. तो आप पैसा देंगे, लोगों को अपने साइड करते जाइए. तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ही सेइंग दिस इज ऑल्सो वैलिड इन सम केसेस. ठीक है, एंड देन ही सेज कि अगर, और उसमें भी आपको पता चले कि जो राजा है वो बहुत व्यसनी है. ठीक है, बहुत व्यसनी है, तो यू फाइंड आउट ऐसे उसके जो, जहां पर वो अपने व्यसन संतुष्ट करने के लिए जाते हो, और वहां जाके उनको मार भी दो. अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आपके प्राण पर रक्षा, आपके प्राण पर भय, आपके, आपको प्राणों का भय है, एंड अनजस्ट तरीके से है कि आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी फॉर अनजस्टिफाइबल रीजन राजा आपके अगेंस्ट हो रहा हो, तो आप उसको फिर मार भी दो और हथिया दो किंगडम. ठीक है, ऐसा वो कहते हैं. और उस चैप्टर के एंड में वापस वो कहते हैं कि अगर, और राजा को भी ऐसी परिस्थिति में सावधान रहना चाहिए, अगर वो इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली राजा ऐसा बायस वगैरह ना कर रहे हो उनके साथ, तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ो ना, तो सम ऑफ दिस इज नॉट गिवन द वे आई एम सेइंग इट, बट उसका भाव अगर आप समझो, हैविंग नोन चाणक्य नाउ, तो आप यू माइट, तो आप देखोगे कि मैं क्यों अपना कुछ एडिशंस इसमें कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा कि इंटेंशनली अगर उसने ऐसे ना कहा हो, बिकॉज ही सेज ऐसी परिस्थिति में आप पकड़ लो, वापस ले आओ अगर ऐसा कोई आपके विरुद्ध प्रिंस हो गया, और उसको आप जेल में डालो. फिर उसकी माँ को भेजो उसे समझाने, या कोई सेनापति को आप भेजो कि उसको समझाने की भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, ये सब तेरा ही है, इट्स योर्स, वापस आ जा, अपोलोजाइज, वापस आ जा वगैरह. कैन आई प्लीज आस्क पीपल टू पुट ऑन म्यूट, आप म्यूट पे जाएंगे फिर. कि वो सेज कि आप माता को भेजो, सेनापतियों को भेजो, किसी और को कपड़े, मतलब अपना वेशभूषा चेंज करके भेजो कि भाई कि उनको समझाए और राजा के पास वापस लेके आए. और अगर मान जाते हैं, अगर वो मान जाता है, वापस आ जाता है, तो राजा भी उसे समझाए कि भाई ये सब तेरा ही तो है, है ना, वो साहब ये सब तेरा ही तो है, तू क्यों चिंता कर रहा है, एंड वापस उसको कॉन्फिडेंस में ले ले. पर अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आप उस राज युवराज को बिल्कुल ही समझाने की परिस्थिति में ना हो, और वो कंप्लीटली आपके अगेंस्ट ही हो गया हो, तो उसको जेल में मरवा भी डालो, क्योंकि नहीं तो आपके राज, आपके राष्ट्र, आपके सिंहासन पे वो और ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपको विच माइट नॉट बी इन योर फेवर. तो वो दोनों तरीके से बात कर रहे हैं, वो राजा के लिए भी बात कर रहे हैं, युवराज के लिए भी कर रहे हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग. एनीवेज, तो आई वाज थिंकिंग इसके बाद का मैं चैप्टर शुरू करूं, बिकॉज
आई थिंक पहले भाग में, एक्चुअली पहले भाग में भी नहीं, आई थिंक पूरे अर्थशास्त्र का एक तो फर्स्ट सेक्शन जो है ना, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट एजुकेशन वगैरह वगैरह, तो फ्रॉम रेलिवेंस पॉइंट ऑफ व्यू टू अस, हम सबके लिए आई थिंक पहला जो अधिकरण इटसेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और उसमें भी एक तो एजुकेशन वाला जो हमने शुरुआत में देखा था, और ये जो 19वां अध्याय है, आई थिंक 19वां अध्याय 16वां प्रकरण जो भी है, राज प्रणीति, ये एकदम उत्तम है. क्योंकि ये यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजा है उसने काम अपने दिन में किस तरीके से काम करना चाहिए, कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ किंग, उसके बारे में पूरा है. बट वी आर एट 6 o'clock, तो आई एम नॉट श्योर क्या करे इसमें, शुरू करे या ना करे. एनीवेज अभी जब जो हमने बात करी उसके विषय में किसी को कुछ कहना है? एनी थॉट्स कमेंट्स ऑन दैट? बेसिकली अमी जी, इसका मतलब यही रहा है कि जो भारत वर्ष में जो योग का इतना ज्यादा रहा है, दैट वॉज बेसिकली टू इंश्योर एवरीथिंग वॉज डन इन मॉडरेशन, पर्पसफुली, माइंडफुली, विथ द बिगर पिक्चर एंड द गुड ऑफ द एवरीबडी इन माइंड. एंड एवरीबडी हैड टू बेयर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ सेइंग वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता. अगर राजा दूसरों को बोल रहा है तुम ऐसा करो, वो सबसे पहले अपना देख रहा है कि वो कितना कंट्रोल में है. दैट वाज द आइडियल सिचुएशन, ट्राइड. आइडियल कभी होता नहीं है, लेकिन कोशिश तो होती है ना टू अचीव द आइडियल. एब्सोल्युटली, अगर आपको याद हो तो हमने वो शुरुआत में किया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, राज ऋषि होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं ना. तो उसका क्या अर्थ कि जो राजा है, सबसे पहले तो हमने बात ही उससे शुरू की कि उसका एजुकेशन कैसा होना चाहिए और विनय का उद्देश्य क्या है. इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू इंद्रिय विजय, है ना, इंद्रिय जय. इंद्रिय जय सबसे ज्यादा आवश्यक है. तो हमने वो देखा था, सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्य, राज्य से मूलम इंद्रिय जय, दैट इज द की. और इंद्रिय जय कैसे आएगा? आपके ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, संस्कारों से. तो वो तो एकदम बेसिक है. जब ये सब आएगा तभी आप राज ऋषि बन पाओगे और एक अच्छे राजा बन पाओगे. या दैट्स द की इसमें भी. हाँ राजेश्वरी जी. सो वन क्वेश्चन, आई एम वंडरिंग व्हाई ये पुत्रों की इतनी बात है, पर व्हाई वाजंट द थॉट गिवन टू इफ देयर इज अ काबिल लड़की हो, अगर पुत्री हो जो सर्वगुण संपन्न हो, तो आई नो, आई मीन उस टाइम की प्रथा तो थी कि उसको शादी करके वो दूसरे राज्य में जाएगी, पर ये कंसिडरेशन कभी हुआ था? क्योंकि वहां तभी तो ब्रह्मचारिणी भी थी ना, कि जो शादी करने से इनकार कर दे, तो कुडंट दैट वाज दैट अ पॉसिबिलिटी? तो पुत्रियों का है ना, इट वाज ऑलवेज इन एन एक्सेप्शनल केस. तो जैसे अगर पुत्री का पुत्र हो तो वो तो उन्होंने कहा कि या तो पुत्र का पुत्र हो या पुत्री का पुत्र हो, दे हैव, वो आपके सक्सेसर्स हो सकते हैं. अच्छा, उस जमाने में वॉट वी हैव टू रिमेम्बर इज दैट एक राजा को युद्ध पे जाना होता था, ठीक है. इसीलिए युद्ध जो धृतराष्ट्र था, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ज्येष्ठ, उनको नहीं बनाया गया, बिकॉज ही वॉज डिसेबल्ड, ठीक है. तो ये था कि अगर स्त्री है तो ऑल सेड एंड डन इस तरीके से अपना राज्य बढ़ाने के लिए हमेशा बाहर जाए, युद्ध करे, ये करे, वो करे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना. एंड राजा अगर हमारे में देखे तो राजा वुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रूव हिज शौर्य, राइट. तो वेयर वुड अ स्त्री कम इन ऑल दिस? दैट वॉज द आइडिया. एक्सेप्शनल केस जब कुछ ना हो ना, तब स्त्रियों के हाथ में होता ही था. अच्छा, कई बार स्त्रियां जो होती थी दे मे नॉट बी, अच्छा जैसे आप देखो कि एक जो पत्नी, जो लेडी है, जो पुत्री है, उसका पुत्र को आपने बना दिया और वो अगर छोटा है, और ये तो हमने कितने केसेस में देखा है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस जब राजा ना हो तब इट्स द वाइफ और द मदर, राजमाता हो, राज ये जो है, दे आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस टेकिंग की डिसीजन, भले सिंहासन पे कोई भी हो, है ना. तो दैट वॉज पॉसिबल, बट going out and fighting, क्या I mean practically अगर हम सोचे तो वो possibility थी क्या for a lady to always go out and
to be so physically capable, right? That was always the thing. Right. तो आई थिंक वहां से इसके कारण ये था, परंतु महाभारत में जब युद्ध हो जाता है ना, तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे केसेस में इतने सारे क्षत्रिय मारे जा चुके हैं कि कुछ कुछ राज्य ऐसे थे जहां ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं था कि कोई मनुज कोई क्षत्रिय सक्सेसर जिंदा हो, ठीक है, ना पुत्री का पुत्र ना पुत्र का पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट देयर वर विमेन. तो उस परिस्थिति में व्यास युधिष्ठिर को कहते हैं कि जहां पर ऐसे पॉसिबल हो, जहां पर मेल हायर्स पॉसिबल हो, वहां पर तो आप मेल को राजा बना दो, बट वहां जहां वहां ना हो ना, वहां उनकी पुत्रियों को भी आप बना दो, बिकॉज नाउ दे आर डीलिंग विद एन आपाद सिचुएशन. किसी को तो चाहिए, किसी को तो रूल करना पड़ेगा एटलीस्ट एट दैट पॉइंट. तो स्टिल टिल नॉर्मलिटी इज रिस्टोर्ड, आप उस परिस्थिति में करो, बिकॉज अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड एज आई सेड, जस्ट रीइटरेटिंग कि जरूरी नहीं है कि सिंहासन पर बैठ के ही आपके पास पावर हो, पावर आपके पास विदाउट सिंहासन भी हो सकता है, जो बहुत परिस्थिति में स्पेशली जब राजकुमार वगैरह छोटे होंगे एंड उनको गद्दी दे दी जाती थी सिंहासन, तो बहुत टाइम ऐसे होता था कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए द क्वींस वुड बी वेरी एक्टिव. क्वींस तो क्या, क्वीन मदर या जो भी होते वुड बी वेरी एक्टिव. Right, I think Rani Lakshmibai was also like that, ruling for her son. Correct. Right, and there are many such examples. In fact, and most of them are like that. Most of them are like that. Right, true. And जो पुत्री का पुत्र आपने कहा वो I think I'm not remembering पृथ्वीराज चौहान एक किसी का example है महाराणा प्रताप, भूल रही हूँ, राजपूतों में शायद, who was a daughter's son, yeah, like that. Yes, thank you. हाँ प्रदीप जी, क्या कह रहे हैं आप? No, I was just saying that it was very clear earlier the way we discussed about the having children and all that, right? It was very clear in the past that who is going to do what role, and there was no confusion. And as you rightly said, I also believe exceptions were only handled when it came to women's leading in from front. Females in the families, and that has proven to be the right decisions versus the males haven't taken the decisions. Correct. So it's not always like that, as you rightly said. So that's what I also have read in a lot of texts. और ये राहुल जो कह रहे हैं, राहुल राज कह रहे हैं कि हाँ, like महाभारत में ही हमने देखा है कि द्रौपदी है as a रानी, उनकी कितनी responsibilities होती थी. जो द्रौपदी सत्यभामा संवाद जो है उसमें द्रौपदी बताती है कि आप सबने, मैंने तो कितने सारे टॉक्स में ये कहा था, आपको सुना ही होगा, बट खैर आई जस्ट रिपीट इट, कि सत्यभामा जब वो लोग वनवास में होते हैं तो सत्यभामा उनके पास आती है और वो पूछते हैं कि अरे आप, कि मेरे एक पति है और वो मेरे वश में नहीं रह पा रहे, पर आपके जो ये पांच पति है वो हमेशा आपको ही देखते रहते हैं, आपको ही देखते रहते हैं, आप कहो वो बात मानते हैं, एकदम आपके वश में है, तो आपके पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है? और द्रौपदी कहती है कि सत्य ऐसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, वशीकरण मंत्र कोई नहीं है, मैं केवल अपना जो कर्तव्य निभाती हूँ एज अ पत्नी, एज अ रानी. और फिर वो कहती है कि जब इंद्रप्रस्थ की वो रानी थी तो वो किस तरीके से अपना कर्तव्य निर्वहन करती थी, एंड शी गोज टू से कि सबसे पहले उठती थी, सबसे लास्ट, सारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हम COO कहते हैं ना, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ऑफ द एंटायर रॉयल, ये वो थी सारे काम. एंड शी सेज जितना मेरे को ट्रांसपेरेंसी था, जितना मुझे पता था आय व्यय कि ट्रेजरी के बारे में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उतना किसी को भी नहीं था, ये पांचों भाइयों को भी नहीं था. सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे था इस बारे में कि क्या आता है क्या जाता है, ठीक है. अच्छा, अब ऐसा जब होगा तो आप सोच सकते हो कि जो डिसीजन मेकिंग होता होगा उसमें डेफिनेटली और डेफिनेटली युधिष्ठिर जो है वो उनको कंसल्ट करते ही होंगे ना. और इतना विश्वास था तभी तो ये सारा उनको दिया भी था, इतना सारा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया था और इतना ट्रांसपेरेंसी भी रखा था. और वैसे भी बहुत काम होता था. जी. वैसे भी डिसीजन मेकिंग को सही और सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग के लिए, बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंसेस आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस.
आपका जब तक जो भी बंदा है, इसीलिए किसी भी कंपनी में सीईओ कुछ भी करे, फाइनेंशियल पर्सन जो होते हैं ना, दे आर वेरी पावरफुल. करेक्ट. एंड जय, हां सॉरी, नहीं जय कैन गो अहेड, सॉरी. या अमी जी, ये जो पुत्री का पुत्र जो राजा बन सकता है, यूजुअली ये शायद मैट्रियार्कल सोसाइटी में ज्यादा होता था. मैं शायद गलत रहूंगा इस विषय में, लेकिन अर्जुन की एक और पत्नी थी उडुपी, जिसका एक बेटा था, आई थिंक आई से कुछ नाम चित्रांगदा का जो पुत्र था बभ्रुवाहन, उसकी बात कर रहे हो आप. नागा कन्या थी वो शायद, आई गेस. तो आई गेस ही वॉज, ऐसा मैंने सुना है, ही वॉज द क्या बोलते हैं, युवराज ऑफ दैट किंगडम ऑफ दिस मैटर. हाँ, बिकॉज चित्रांगदा जो थी वो अकेली पुत्री थी राजा की. ठीक है, वो मणिपुर का जो राजा थे उनकी अकेली पुत्री थी चित्रांगदा. तो उसका जो पुत्र होगा वो ही आगे राज उनका संभालेगा, इसीलिए वो अर्जुन के साथ जाती भी नहीं है. और बभ्रुवाहन जो उसका पुत्र है, he becomes the king after his नाना. And हाँ, ये matrilineal society की बात है, matrilineal में I'm sure अलग होगा, but if you see 95% of the structures, social structures are patrilineal. Very few are really matrilineal. और उस matrilineal केस में भी, उस केस में भी भले ही इट्स इनहेरिटेंस पार्ट विच इज डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू वॉर वगैरह, उसमें तो जो पुरुषों का रोल होता था वो तो उसी में भी वैसे ही था. इनहेरिटेंस जाता है, दैट इज, दैट चेंजेस उसमें थोड़ा सा. या सो आई हैड हर्ड दैट दीस नागास जो होते हैं ना, जो नागा संप्रदाय के जो होते हैं, इट्स अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. तो इन जनरल वहां पर पुत्री के बेटे को सक्सेशन जाता है, ऐसा मैंने सुना था. नहीं, पुत्री के बेटे को जहां तक जाता है तो दैट इज आल्सो मिक्स्ड, ये ना, क्योंकि पुत्री के बेटे को जाता है, तो इट्स स्टिल नॉट, इट्स स्टिल पैट्रिलिनियर इन दैट सेंस, इट्स स्टिल गोस टू द मेल. हां हां, मेबी बिकॉज़ ऑफ दिस वॉर प्रैक्टिकलिटी वी हैव टू कंसीडर दैट. करेक्ट. सो जय ने एक कमेंट बोला है, ही सेज इज कौटिल्य के इसमें देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, इमोशंस का अर्थ क्या, देयर इज नो प्लेस फॉर इंपल्सेस. यस, ठीक है, देयर इज नो प्लेस फॉर इंपल्सेस कि मुझे ऐसे लगा कर दिया, अरे मुझे अचानक से ऐसे लगा कर दिया, नहीं. बट एज वी हैव सीन, हर बार हमने देखा है कि वो बहुत सिंपथेटिक है, बहुत कंपैशनेट है. कुछ कुछ जो सजेशंस बाकी ऋषियों के हैं कि एकदम तोड़ फाड़ वाले, कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, रूथलेस हैं, एक्चुअली वो ऐसे नहीं है. सारे उनके जो डिसीजंस है, दे कम फ्रॉम अ ह्यूमन व्यू, अ ह्यूमन सेंट्रिक व्यू. आप देखो, बीट अबाउट बच्चे को कैसे रखना है, उनको बड़ा कैसे करना है ना, उसके पहले भी हमने देखा है कितने सारे केसेस में बहुत ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है उनका, बहुत कंपैशनेट अप्रोच है. पर क्या इमोशंस में बह के आपको गलत करने का अधिकार है? एंड वो इमोशंस में बह के क्या, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इम्पल्सिस. इम्पल्सिस का स्थान नहीं है. इनफैक्ट अगर हम योग भी देखें ना, तो जितना आप योगस्थ बुद्धि मोड में जाएंगे, आपका उतना ही कंपैशन बढ़ता जाएगा. इसलिए गीता में वो क्या कहते हैं, समदर्शन. आप जब योगस्थ बुद्धि में आओगे तो आप सबके लिए समदर्शन रखोगे. वो समदर्शन कंपैशन के व्यू से, रूथलेसनेस के व्यू से नहीं. कंपैशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम इमोशन. आप सबको एक जैसा देखोगे, सबको एक जैसा प्यार करोगे, राइट? तो आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट टू बिगिन विद. दैट नीड्स टू चेंज. इम्पल्स को हम इमोशंस के द्वारा कंफ्यूज करते हैं, विच इज नॉट राइट. इमोशंस हैव देयर ओन प्लेस. तो ऑलमोस्ट 6:15 हो गए. तो आई थिंक अगले सेशन में, आई थिंक वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. वो चैप्टर बहुत अच्छा है, तो आई वुड सजेस्ट आप लोग, जितने लोग आप आओ, डू जॉइन इन. तो वो नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे अगली बार.
एंड आई थिंक पूरा वो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे. आई थिंक उसका हर एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो हर एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो वी क्लोज इट हियर. आज कौन प्रार्थना बोलेगा? कैन समबडी टेक इट अप टुडे? ओंकार का चैंट मैं कराऊंगी, कोई प्रार्थना के लिए. I can do. हाँ, फिर ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम शान्ति शान्ति शान्तिः.